हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देख रहे हैं यूपी विकास सीएससी चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण शौचालय योजना के बारे में। दोस्तों, कैसे ऑनलाइन करना है जानेंगे पूरी प्रक्रिया। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको आना है गूगल के क्रोम ब्राउजर में। दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है यूपी पंचायती राज। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर यूपी पंचायती राज आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पंचायती राज यूपी एनआईसी इन। दोस्तों, आपको इस वेबसाइट पे सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट आप पे यहाँ पे ओपन हो चुका है। दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो। दोस्तों, पहले क्या होता था कि ग्राम प्रधान के माध्यम से या फॉर्म भराया जाता था। दोस्तों, वहाँ प्रधान के फेवर में जो भी कैंडिडेट होते थे उनको ही यह लाभ मिल पाता था। दोस्तों अब ऐसा नहीं है, आप यहाँ से आप स्वयं ऑनलाइन कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं दोस्तों, आप यहाँ बड़े आसानी से ऑनलाइन कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है महत्वपूर्ण लिंक का। दोस्तों, आपको यहाँ पर उसके नीचे आपको देखने को मिल जाता है ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन अंत्येष्ट स्थल एवं व्यक्तिगत शौचालय की मांग हेतु आवेदन। दोस्तों, आपको यहां पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहां पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों हम यहां पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहां पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है पंचायत भवन। दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपको अंत्येष्टि स्थल और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों व्यक्तिगत शौचालय। दोस्तों, आपको व्यक्तिगत शौचालय के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है जनपद सिलेक्ट करने का। दोस्तों, आपको यहाँ पे आवेदन प्रकार पहले सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पे न्यू अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जनपद के सेक्शन में आएंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना जनपद जो भी जनपद लगता है दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना ब्लॉक पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना ग्राम पंचायत जो आपका गांव लगता है दोस्तों आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्वराज ग्राम का नाम दोस्तों अपने गाँव का नाम यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों, आपके आधार पर जो भी है दोस्तों उसी के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपने ग्राम का नाम यहाँ पर गाँव का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर APL BPL मतलब जो भी दोस्तों आपके पास राशन कार्ड है उसके माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आवेदक का नाम ध्यान देना है दोस्तों, जो भी आधार में है उसी के हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पे भरना है। निजी जानकारी को हाइड कर दिया गया। दोस्तों चलिए दोस्तों आप यहाँ पे आवेदक के पिता या पति का नाम यहाँ पे भरेंगे दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर जो भी दोस्तों आवेदक का मोबाइल नंबर है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आवेदक का आधार नंबर दोस्तों आपको आधार में देख कर साफ साफ यहाँ पर फिलअप कर लेना है। दोस्तों चलिए दोस्तों यहाँ पर आधार नंबर हम फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए दोस्तों यहाँ पे हम फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आवेदक का बैंक अकाउंट नंबर दोस्तों आपको बैंक अकाउंट नंबर बहुत ही सावधानी से यहाँ पे फिल करना है। दोस्तों चलिए दोस्तों हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद दोस्तों आपको आगे की प्रक्रिया बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके अकाउंट नंबर जो भी है दोस्तों यहाँ पर अपना ध्यान देना है और उसी के माध्यम से यहाँ भरना है। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप में आपको बैंक का नाम दोस्तों आपका जो भी बैंक है जो भी बैंक अकाउंट है दोस्तों आपको हाँ उसका नाम फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों उसका IFSC कोड दोस्तों ध्यान देना है, IFSC कोड आपको बहुत सावधानी से भरना है। उसके बाद दोस्तों आवेदक की घर की फ़ोटो दोस्तों घर एक जहाँ पे आपको शौचालय का निर्माण करना है उस स्थान का फ़ोटो एक ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों आवेदक का यहाँ पर आधार कार्ड और बैंक पासबुक दोस्तों 20 यहाँ पर दोस्तों आपके एक सेव का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहां पे क्लिक करेंगे, आपका यहां पे आवेदन यहां पे रिकॉर्ड हैज बीन दोस्तों यहां पे सक्सेसफुली हो जाएगा, सेव हो जाएगा। दोस्तों यह आवेदन आपके ब्लॉक में आप ब्लॉक के अधिकारी के पास अग्रेषित हो जाता है। दोस्तों वहां से आपके वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आपके पास कॉल आएगा, उस कॉल के माध्यम से दोस्तों आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। दोस्तों आपका कुछ दिनों के बाद आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे अपने PC लैपटॉप से बड़े ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।